उपायुक्त गुमला के निर्देश पर सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामदारा में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉशून्य तारिक अनवर एवं सदर अस्पताल से आए चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में कुल 266 दिव्यांग एवं मरीजों की जांच की गई, जिसमें ऑर्थो के 116 दिव्यांग, 39 नाक कान गला के दिव्यांग, फाइलेरिया के 13 और जेनरल 98 मरीजों का आवेदन पंजीकृत किया गया। बीडीओ रविंद्र कुमार गुप्ता ने भी सीएचसी का दौरा कर दिव्यांग शिविर का जायजा लिया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉशून्य तारिक अनवर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में आए दिव्यांग लाभुकों की जांच चिकित्सक डॉशून्य अनुपम किशोर, फिजिशियन डीएस, चिकित्सक प्रेमचंद कुमार भगत, आर्थो सर्जन श्वेता कुमारी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के द्वारा सबों का इलाज किया गया। शिविर के सफल आयोजन में महिला विकास मंडल के नागरिक सहायता केंद्र स्वास्थ्य कर्मी मुकेश कुमार, ललिता मिंज, विनीता असुर, संजय लकड़ा, अमूल भगत, जिरोल्ड संजय बाड़ा, ज्योति कुजूर, राजकुमार ठाकुर, सव्यसाची कर्मकार, सुबोध प्रसाद सिंह, समीर कोनगाड़ी, तेज प्रताप उराव, भागीरथ बेदिया, तरुण पासवान समेत अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।